हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का हम एक्सरसाइज का 1.14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.1 से लेकर 1.13 तक का पूरा लेक्चर मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर आप विजिट कर लेना। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या कहा है कि यहां पर दो पैरेलल प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस, जहां से तीन चार्जेस को थ्रो आउट किया हुआ है। जैसे मान लो इसको हम नाम दे रहे हैं Q1, इसको हम नाम दे रहे हैं Q2, इसको नाम दे रहे हैं Q3। तो यहां से उनको फेंका और फेंकने के बाद हमने देखा कि कुछ चार्जेस इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ चार्जेस इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। अपना जो ओरिजिनल पाथ था उस पाथ से कुछ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। अरे यहां पर एक चीज देखिए बेटा, पार्टिकल को थ्रू आउट हमने कहां पर किया था? एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब आप देख रहे हैं कुछ ऊपर जाना है, कुछ नीचे जाना है। एक चीज आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको कंसेप्ट बेटा पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हमेशा कौन चलता है? पॉजिटिव चार्ज चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलता है? नेगेटिव चार्ज चलता है। तो यहां पर ये वाले दो चार्जेस ऐसे गए हैं, ऐसे गए मतलब ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। तो सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे? नेगेटिव Q1 होगा और ये भी क्या होगा? नेगेटिव Q2 होगा। यानी कि इन दोनों के साइन कैसे होंगे? नेगेटिव। एक ही बंदा है जो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, इसका मतलब इसका चार्ज कैसा होगा साहब? इसका चार्ज होगा पॉजिटिव। तो आपका तीसरे नंबर का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा और पहले नंबर का चार्ज आपको कौन सा है? यस, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा? ठीक है। और एक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू कहां होती है? नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा रहा है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, कौन से पार्टिकल का हाईएस्ट मास रेशियो। देख, अगर मैं इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा आपको फील दिला दूं, तो फील देखो, फील कैसे लोगे आप इस चीज को, मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं, ठीक है। जैसे बेटा तेरे पास एक प्लेट है पॉजिटिव, ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा तेरे को, थोड़ा अच्छे समझ ले। एक प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, कहां की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा साहब, यहां से हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका, तो बेटा जहां से मैंने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो आउट किया, मान ले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसे वेलोसिटी दी मैंने उसको और फेंक दिया। ये वाली जो वेलोसिटी है बेटा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल, मतलब मैंने सामने की तरफ फेंका। अगर मैं बेटा इसको सामने की तरफ फेंकूंगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये इसी डायरेक्शन में चला जाता बेटा। सही कह रहा हूं, इसी डायरेक्शन चला जाता। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स की फॉर्मूला तुम्हें पता है, F इक्वल टू कितना होता है? Q इनटू E। इस फोर्स के कारण थोड़ी देर बाद ये चार्ज यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, और फिर ऐसे तुनाव। तो अगर हम इसके रास्ते को मिलाते तो ये रास्ता इसका ऐसा हो जाएगा। तो जो मेन रास्ता इससे इतना क्या हो गया? इसका डिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? डिफ्लेक्शन। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा चार्ज पार्टिकल इसका जाना डिफ्लेक्शन हुआ है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो डिफ्लेक्शन से हम पता लगा सकते हैं किसका मास रेशियो जाना। अब देख, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। तो तुम्हें एक चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जहां से बेटा तुम एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आएगा? फोर्स अपॉन मास। अच्छा, फोर्स कितना है तेरा? क्यू इंटू ई। तो ये तेरा इतना आ गया, ये तरह क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आपको पता क्या होता है? एस इक्वल टू बेटा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हमने कौन सी वेलोसिटी दी थी उसको साहब? हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है? ये वाला जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपने अच्छे से पढ़ा है बेटा, तो आपको पता होगा कि जब हम किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के पार्टिकल को खींचते हैं, तो स्टार्टिंग में उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। एक सेकंड बाद एक्सेलरेशन काम करते तब उसको वर्टिकल वेलोसिटी मिलती है। तो स्टार्टिंग में तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी ना, दी तो कौन सी थी हमने? यस, हॉरिजॉन्टल। तो ये तो तेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये वाला जो पोर्शन है यूटी वाला, इसको तो कट कर दे, तो तेरे पास क्या मिलेगा? हाफ। और ए की वैल्यू कितनी है? QE अपॉन M, और टाइम कितना लगा? T। तो इसी को हम बोलेंगे बाय, इसी को हमने नाम दिया है बाय। तो बाय का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ QE M T स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर आप टाइम, जो भी टाइम हो इसका, वो अगर आप कॉन्स्टेंट मान ले, तो कुल मिला के इन सबको तो अभी साइड में कर दो, तो हमें केवल बाय का किससे मतलब निकालना है? क्यू अपॉन एम से मतलब निकालना है, यानी कि ये चीज आ गई। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू अपॉन एम के। दिस इज स्पेसिफिक चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो। तो आप देख रहे हो जिसका चार्ज मास रेशियो जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, साफ दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जिसका चार्ज मास रेशियो जितना कम होगा वो उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, समझ बात। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। तो इसमें जो C3 वाला पार्टिकल है, ये 3 नंबर का पार्टिकल, वो ज्यादा क्या हुआ है? डिफ्लेक्ट हुआ है। क्लियर है बेटा? मैंने आपको इस क्वेश्चन के दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए बहुत अच्छे से। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम करेंगे 1.15। उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर क्वेश्चन का वीडियो कम टाइम में मिलता रहे।